हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस अमेजिंग एंड ऑसम वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक्सेल 2019 के अंदर एक खूबसूरत फाइव लेयर्ड एडवांस डोनट चार्ट बनाना सीख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने अपनी इस स्क्रीन के ऊपर ये खूबसूरत ब्यूटीफुल एडवांस फाइव लेयर्ड चार्ट बनाया हुआ है। और बेसिकली ये जो चार्ट है वो मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। इट मीन्स कि जो पहला ये फाइव लेयर्ड डोनट चार्ट है इसके अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो जो इनर लेयर है वो डार्कर कलर में है जबकि आउटर लेयर होती जा रही है आपकी लाइटर कलर में। दैट्स वाई इसका नाम है इन टू आउट। बट जो सेकेंड चार्ट है उसके अंदर आपका जो आउटर लेयर है वो आपका डार्कर कलर में है और इनर होते होते ये लाइटर कलर में आ रही है, इसलिए इसका नाम है आउट टू इन। सो ये दोनों तरीके से मैं आपको ये डोनट चार्ट बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले ये हम सीखना स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे की आने वाली वीडियोज बहुत ही एडवांस और बहुत ही खास होने वाली हैं, क्योंकि उन वीडियोज़ के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक बेहतर MIS एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऑलराइट, सो चलते हैं इस चार्ट को बनाना और सीखना दोनों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर इस चार्ट के बारे में अगर आप थोड़ी सी समझ लेंगे तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं तो मैंने जो KPI वैल्यू ली हुई है ये 500% है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये पांच लेयर में डिवाइडेड है। ऑलराइट, अगर मैं लेट से ले लेता हूँ सिर्फ 400%, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो इसका एक पांचवी लेयर होगी, फिफ्थ लेयर होगी, वो इनविजिबल हो जाएगी और बाकी की फोर लेयर कंप्लीटली 100% में ये विजिबल हो जाएगी। लेट से अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 450, तो आप देखेंगे कि चार लेयर तो कम्प्लीटली पूरी विजिबल है जबकि पाँचवीं लेयर सिर्फ 50% विजिबल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 450 लिया है। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लेट से 150, तो आप देखेंगे कि बाकी की सभी लेयर इनविजिबल हो चुके हैं, सिर्फ पहली इनर लेयर जो कि 100% लेयर पर थी वो कंप्लीट है, बाकी की रेस्ट सेकेंड लेयर में से 50% डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेट से ले लेता हूँ 250%, तो आप देखेंगे कि दो लेयर कंप्लीटली विजिबल है, बाकी तीसरी लेयर का 50% आउटर एरिया विजिबल है, बाकी 50% इनविजिबल है। सो इस तरीके से ये मैंने जो है इन टू आउट डोनट चार्ट बनाया हुआ है। जबकि अगर मैं आपको आउट टू इन में देखूँ तो ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लेट से लेता हूँ 50%, तो आप देखेंगे कि इसकी जो चार्ट की स्टार्टिंग है वो आपके इनर लेयर से स्टार्ट हो रही है, जबकि आउट टू इन में इसकी अगर मान लीजिए 50% लेता हूँ तो ये आउट से इन के फॉर्म में स्टार्ट होगी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो चलिए मैं आपको बनाना इसको स्टार्ट करता हूँ। ऑलराइट, मैं यहाँ पर दोनों को 500% ले लेता हूँ। मैं जस्ट सिंपल इस डेटा को कॉपी करता हूँ और अपनी एक नई वर्कशीट ऐड करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और मैं इस शीट का नाम देता हूँ लेट से इन। ऑलराइट, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले इस वर्कशीट की ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। सो व्यू टैब में जाएंगे और यहाँ से ग्रिड लाइंस के ऊपर से चेक मार्क हटा देंगे, सो ये रिमूव हो जाएगा। नाउ अब हमें इस डोनट चार्ट को क्रिएट करने के लिए इन वाले हमें कुछ सपोर्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी। बेसिकली हमें तीन सपोर्ट कॉलम की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें से सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा सर्कल पार्ट। इट मींस कि आप कितने लेयर बनाना चाहते हैं उतने लेयर आप बताएं। सो फिलहाल मुझे जो है फाइव लेयर चाहिए, इसलिए मैं टाइप करूंगा 1, 2, 3, 4, 5। बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 का मतलब है परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर ये हो जाएगा 100%, 200% से लेकर 500% तक। सो मैं इसको एक बार परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो होगा हमारा विजिबल पार्ट। विजिबल पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जितना हम पोर्शन शो कराना चाहते हैं उसे हम कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कि लेट से अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 40%, तो अगर आप देखेंगे 40% पर सिर्फ पहली लेयर का, जो कि पूरी एक कंप्लीट लेयर 100% से बनती है, तो पहली लेयर का सिर्फ 40% विजिबल है, बाकी का 60% इनविजिबल है। सो ये 40% जो विजिबल है इसको हमें कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला होगा इज इक्वल टू इफ अगर B1 के अंदर की लिखी गई वैल्यू ग्रेटर देन होती है इससे, तो क्या करो, आंसर रिटर्न करो 1, इट मीन्स कि 100%। अदरवाइज दोबारा से इफ लगाया मैंने और कहा कि अगर इस बार B1 के अंदर लिखी गई वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है इससे, ध्यान रखें इस बार जो है मैंने अपनी एक ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट किया, इसलिए मैंने इस कंप्लीट रो को ब्लैंक छोड़ा हुआ था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस कंप्लीट रो को ब्लैंक क्यों छोड़ा हुआ था। जो मैंने यहाँ पर अभी सेल सिलेक्ट किया है, बाय डिफॉल्ट अगर आप किसी भी ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो डेटा हो सकता है वो ज़ीरो हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया है। कॉमा, अगर ऐसा होता है तो B1 के अंदर जितना भी डेटा होगा
उसमें से माइनस कर दो ये ब्लैंक्स हैं, अदरवाइज ज़ीरो रिटर्न कर दो। ऑल राइट, मैं भी इसको भी जो है आपका परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब अगर आप देखें, अगर यहाँ पर मैंने 500% सेलेक्ट किया हो, इसलिए जो है यहाँ पर पाँचों सेल के अंदर 500% आया हुआ है, जिससे टोटल बनाया 500%। लेट से अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लेट ओनली 40%, सो आप देखेंगे कि पहले वाले में से, पहले लेयर से 40% विजिबल हो चुका है, बाकी का जो है 4 लेयर इनविजिबल है, और इसके अंदर से 60% रेस्ट भी जो है वो इनविजिबल है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ लेट से B1 के अंदर 240%, तो क्या होगा कि पहली दो लेयर जो कंप्लीट विजिबल होंगी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, बाकी के तीसरे लेयर से 40% डेटा विजिबल होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर 240 लिया हुआ। ऑलराइट, सो इसलिए जो है मैंने यहाँ पर इस वाले ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया था, ताकि जो है जब मैं डेटा को मूव करूँ तो वो माइनस माइनस करके हमें दिखाता रहे। ऑलराइट, तीसरा पार्ट जो होगा हमारे लिए वो होगा ट्रांसपेरेंट पार्ट। ऑलराइट, इसके अंदर क्या होगा कि जितना डेटा हमारा विजिबल है, जितना पार्ट हमारा लेयर के अंदर विजिबल है, उसके अलावा जितना बच जाएगा वो हमारा रेस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इज इक्वल टू 1 माइनस 100 पर योर एक्चुअल विजिबल पार्ट। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितना पार्ट आपका विजिबल होगा और जितना आपका इनविजिबल होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों विजिबल हैं दोनों लेयर्स, तो इसलिए इसका ट्रांसपेरेंट 0 हो गया, इसका विजिबल पार्ट 40% होगा, सो इनविजिबल पार्ट 60% बच गया, बाकी का इसका दो पार्ट जो है इनविजिबल है, इसलिए जो है विजिबल नहीं है, इसलिए इसका बाकी का दो 100% जो है इनविजिबल हो गया। अभी आप समझ जाएंगे कि जैसे मैं इस चार्ट को क्रिएट करूँगा, तो आप सिंपली क्या करें, इस डेटा को सिलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट के अंदर जाएँ, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करें डोनट चार्ट। ऑलराइट, डोनट चार्ट को आप अपनी ज़रूरत के अनुसार रिसाइज कर लें जितना आप चाहते हैं। उसके बाद हम डोनट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से जो है स्विच रो टू कॉलम के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऑलराइट, सो इसकी पांचों के पांचों लेयर नज़र आने लगे। नाउ प्लस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, चार्ट टाइटल्स और लेजेंड्स को रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, नाउ अभी ये जो डोनट का होल साइज़ है ये काफ़ी पतला, हम क्या करेंगे इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करेंगे। सो राइट क्लिक करेंगे इस डोनट के ऊपर, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाएंगे, डोनट का होल साइज अभी फिलहाल 75% है, सो हम इसको कर देंगे 25%। ऑलराइट, उसके बाद आप ध्यान से देखें तो हर एक के अंदर इनकी आउटलाइनिंग आ रही है, सो हम क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक डोनट की लेयर को सिलेक्ट करेंगे और उनके आउटलाइनिंग को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम पहले को सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से शेप आउटलाइन कर देंगे नो आउटलाइन, दूसरे को सिलेक्ट करेंगे नो आउटलाइन, तीसरे को सिलेक्ट करेंगे नो आउटलाइन, चौथे को सिलेक्ट करेंगे नो आउटलाइन, पांचवें को सिलेक्ट करेंगे नो आउटलाइन। सो आप देखेंगे कि सभी डोनट की जो आउटलाइन है वो रिमूव हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट हमारा जो ये चार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ऑलराइट, जस्ट हमें क्या करना है अब कि सबसे पहले यहाँ पर लेंगे स्टेप बाय स्टेप हर लेयर के अंदर हम कलर फिल करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात कि हम ये इन टू आउट डोनट चार्ट बनाना है, इसका मतलब कि जो इसका इनर लेयर होगी वो डार्कर में होगी और बाकी के आगे की तरफ ऊपर की जो लेयर होती जाएंगे वो आपके लाइटर होती जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 50%, जिससे क्या होगा कि पहली लेयर का 50% जो है सिलेक्ट हो जाएगा, 50% जो है आपका नॉन सिलेक्ट होगा। इट मीन्स कि जो ये 50% आपका ब्लू वाला है ये विजिबल पार्ट है और जो आपका रेस्ट 50% है वो आपका इनविजिबल पार्ट है। सो हम विजिबल पार्ट को डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद फिल एंड लाइन के अंदर जाएंगे, फिल को एक्सपेंड करेंगे, सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से कलर चूज कर देंगे लेट से ब्लू वाला डार्कर। ऑलराइट, उसके बाद रेस्ट 50% को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, इसको कर देंगे नो फिल। उसके बाद अब हमें क्या करना है, दूसरी लेयर को फिल करना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 150, उसके बाद दूसरी वाले विजिबल लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फिल लाइन के अंदर जाएंगे, सॉलिड फिल में जाएंगे और इसको इस बार जो है इससे थोड़ा सा लाइटर दे देंगे, लेट से हमने ये दे देते हैं। ऑलराइट, बाकी का जो 50% है उसको डबल क्लिक करके आप नो फिल कर दें। उसके बाद फिर यहाँ पर 250 करेंगे, तीसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, इसको थोड़ा सा जो है हम और लाइटर बनाएंगे पहले वाले से, लेट से इस बार हम ले लेते हैं ये वाला। उसके बाद दूसरे को जो है डबल क्लिक करके नो फिल कर देंगे। फिर हम यहाँ पर एक बार करेंगे 350, उसके बाद इस लेयर को डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, फिल एंड लाइन में जाएंगे, सॉलिड फिल करके इसको थोड़ा सा और लाइटर बना देंगे, लेट से मैं ये वाला ले लेता हूँ। बाकी के दूसरे पार्ट को हम नो फिल कर देंगे। फिर यहाँ पर ले लेंगे 450, और उसके बाद लास्ट लेयर में हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करेंगे, फिल एंड लाइन में जाकर इसको कलर दे देंगे हम थोड़ा सा और लाइटर, लेट से ये दे दिया, और बाकी के बचे हुए पार्ट को हम कर देंगे नो फिल। सो अब जो ये हमारा चार्ट है वो कम्प्लीटली
रेडी हो चुका है। अब अगर हम इसको 50% करते हैं तो आप देखेंगे सिर्फ पहले लेयर का 50% नज़र आएगा, अगर पूरा 500% करते हैं तो आप देखेंगे कंप्लीट चार्ट बन चुका है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल एज नो फिल, शेप आउटलाइन एज नो आउटलाइन। सो ये हमारा पूरा का पूरा इन टू आउट फॉर्मेट का चार्ट हो गया रेडी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अपना दूसरा चार्ट भी तैयार करेंगे जो कि आउट टू इन होगा। सो हम एक दूसरी वर्कशीट ऐड करते हैं, इसका नाम दे देते हैं आउट। सबसे पहले इसकी ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देते हैं। मैं आपको सबसे पहले फार्मूला बता देता हूँ कि इसके अंदर फार्मूला के अंदर थोड़ा सा चेंजेस होगा, बाकी जो इसका कलरिंग का मेथड होगा वो सेम होगा। बस सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि जो आपका आउटर लेयर होगी वो डार्कर होगी और उसके बाद जो है बाकी की इनर लेयर लाइटर होती जाएगी। ऑलराइट, मैं जस्ट इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, उसके बाद मैं आपको फार्मूला के अंदर बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस होंगे। चेंजेस जो होगा वो सिर्फ इतना होगा कि सबसे पहले आपको सर्कल पार्ट जो कि अभी आपका असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, यानी कि 400, 200, 500, 400, 300, 200 और 100। ऑलराइट, दूसरा कि जहां पर आपने इस ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया था फॉर्मूला के अंदर, वहां पर आप इससे नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर देंगे दो, यानी कि आपने सिलेक्ट किया था A6 को, यहां पर कर दें आप A8, ताकि ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाए। उसके बाद आप इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। ऑलराइट, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर करते हैं लेट्स से फॉर 50-45%, तो आप देखेंगे कि अब ये जो है रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। ऑलराइट, जस्ट उसके बाद डेटा को सिलेक्ट करें, सिमिलरली जैसे अभी हमने चार्ट क्रिएट किया था वैसे आप इस चार्ट को भी क्रिएट कर दें। मैं आपको फटाफट इस चार्ट को क्रिएट करना भी सिखा देता हूँ, वैसे आप जान गए होंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, बट फिर भी मैं आपके लिए जल्दी जल्दी क्रिएट कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद जस्ट उसके बाद इनकी आउटलाइनिंग को रिमूव करते हैं फटाफट। चौथी और उसके बाद पांचवी। ऑलराइट, उसके बाद आप कलर भरना स्टार्ट करते हैं। सो कलर भरने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 45% सिलेक्टेड है इसलिए हम आउटर लेयर को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड एरिया को, फॉर्मेट में जाएंगे और इसको डार्क कलर देंगे, ध्यान रखें आप, क्योंकि हम ये आउट टू इन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर कर दें 145, आप कुछ भी वैल्यू कर सकते हैं जो कि आपका 100 के अंडर अंडर होनी चाहिए। ऑलराइट, समझदारी के लिए आपसे। उसके बाद रेस्ट को हम कर देंगे नो फिल, फिर हम कर देते हैं यहाँ पर लेट से 245। तीसरी लेयर को हम जो है डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, ध्यान रखेंगे आप डबल क्लिक करके अगर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका पूरा डोनट सिलेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, 345 करते हैं यहाँ पर, इस बार हम सिलेक्ट करते हैं इसको और रेस्ट को हम कर देते हैं नो फिल, एंड लास्ट हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इस बार हम करते हैं लेट से ये वाला कलर। ऑलराइट, शायद इसकी आउटलाइनिंग नहीं हटी है, हम एक बार दोबारा हटा देते हैं। ऑलराइट, कैसे हमें पता चला था, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था इसलिए हमें लग गया था इसकी आउटलाइनिंग नहीं हटी है। अब इसको कर देते हैं 500%। सो अब ये आपका डोनट चार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ जस्ट पूरे एंटायर चार्ट को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल एज नो फिल, शेप आउटलाइन एज नो आउटलाइन, एंड नाउ योर चार्ट इज रेडी। जस्ट रिजल्ट को चेंज करें और इफेक्ट देखें, ये देखिए, ये देखिए, मैं करता हूँ 370। ऑलराइट, सो ये आपका चार्ट हो गया रेडी। नाउ इन लास्ट सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको डेटा लेबल ऐड कराना है। डेटा लेबल ऐड करवाना बहुत आसान है, आप इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, वहाँ से वर्ड आर्ट के अंदर जाएं और कोई सा भी एक वर्ड आर्ट यहाँ से चूज़ कर लें। लेट्स से मैंने ये चूज़ कर लिया, उसके बाद सिलेक्ट करें, फॉर्मूला बार में जाएं, इज इक्वल टू प्रेस करें और अपने एक्चुअल डेटा को सिलेक्ट कर लें। ऑलराइट, सो ये आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल एज नो फिल, शेप आउटलाइन एज नो आउटलाइन, होम में जाएं, फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, उसके बाद फॉन्ट साइज या फॉन्ट टाइप आप रख दें एजेंसी FB, जस्ट इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, इसको यहाँ पर ऐसे पुट कर दें। ऑलराइट, ध्यान रखें कि इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप वही रखें जो कि आपके कलर से मिलता जुलता है आपके डोनट से। जस्ट इसको करें कॉपी, आउट में जाएं, यहाँ कर दें कहीं पर भी पेस्ट, इसको पिक करें और यहाँ पर रख दें, फार्मूला बार में जाएं,
इज इक्वल टू प्रेस करें और इससे जो है सिलेक्ट करके एंटर कर दें, इज इक्वल टू, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें। उसके बाद इस वाले फॉर्मेट पेंटर को कॉपी मार लें, सिलेक्ट करें फॉर्मेट पेंटर और जस्ट पिक। ऑलराइट, सो नाउ ये जो है आपका डोनट चार्ट रेडी हो चुका। अब चेंज करके देख सकते हैं आप, ये देखिए सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आप, ये देखिए। सो इस तरीके से आप इस एडवांस फाइव लेयर डोनट चार्ट को बनाना सीख सकते हैं और अपनी MIS रिपोर्ट को पहले से कहीं गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बना सकते हैं। ऑल राइट, एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आप इस एडवांस डोनट लेयर चार्ट को क्रिएट करना सीख सकते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँगा कि इस फाइल को अपनी गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड करके इसका जो लिंक है वो अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सिंपली वहाँ से डाउनलोड करके इस फाइल के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल राइट, ताकि आप बेहतर एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस फाइल को मेरी लिंक से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करने से पहले खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करें और वीडियो के अंदर कमेंट्स करके मुझे बताएं कि कितना आपने अच्छा इसे बनाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस चार्ट को आप मुझसे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। एंड जो कलरिंग मैंने यूज़ किया है, इसके अलावा आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, बशर्ते कि आपका जो चार्ट है उसका इफेक्ट अच्छा नज़र आना चाहिए। ऑलराइट, सो आई होप इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।